कैसे कैसे इसके पार्ट्स लगे रहते हैं, क्या क्या लगे रहते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसके एक चीज को हम सेट कर देते हैं, जो इसका ये हिस्सा है। क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं करना है, प्रॉपर जैसा है वैसे लगा दिया जाता है। इसको फटाफट मैं स्क्रू लगा दूंगा। ध्यान देने का कि जैसी उसकी चूड़ी बनी है प्लास्टिक लोहे के अंदर, उसको पहले सेट करने का, उसके बाद ही उसको टाइट करने का। नहीं तो दो बार तीन बार आप निकालोगे, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। मैंने चार स्क्रू के साथ इसको पैक कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। इसको सीधे लगाना है। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रिप पे। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसमें केवल जो कवर लगता है वो कवर लगाना है, बट मेन काम जो है अभी इधर करना है, क्योंकि इसके साथ कई सारी चीजें हमको बिठाना है। सबसे पहले इसमें हम क्या बिठा देते हैं, पीसीबी भी उठा सकते हैं, बट पीसीबी पहले नहीं बिठाएंगे, पहले इस असेंबली को हम बिठाएंगे जो उसकी भी। बट इसमें छोटे मोटे कुछ पार्ट्स हैं जो निकले हुए हैं, उसको पहले सेट कर देते हैं। टाइप का सोलोनाइड है जो इसमें लगा रहता है यहाँ टॉप पे, और इसका कनेक्शन ये रहता है। सबसे पहले इसका कनेक्शन लगा देंगे, उसके बाद इसे लगा देंगे। जिसको चाहिए के बाद इसका जो एक कवर है असेंबली यहां से स्टार्ट करनी चाहिए। कभी भी रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि यहां कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनको लगाने के लिए आपको पहले आसान रहेगा, बाद में परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को लगा के देख लेते हैं, ओके। वो लगा के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले ये इसका हिस्सा जो क्लच का काम करता है, इसको मैंने सेट कर लिया, ओके। ये क्लच जब खराब हो जाता है तो ये काम होना बंद हो जाता है, जिसके कारण पेपर यहाँ आके रुक जाता है, देख रहे हैं। और अभी ये चीज यहाँ डायरेक्ट तो नहीं लगी रहती, ठीक है। इसके साथ ये है, ये जैसे डब डाउन होगा वैसे ये होगा, बट इसको लगाने का भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए।
ये वायरिंग को डिस्टर्ब ना कर सके, वायरिंग कहाँ से जाना चाहिए, ऐसी कई सारी चीज़ें। जब इसको हम बिठा देंगे तो हमारे कई काम थोड़ा आसान हो जाएंगे। रीज़न क्या है, अगर ये नहीं बिठाएंगे बैठ जाने के बाद मेन एंगल जो हम अपना मेन यूनिट बिठाते हैं वो इसके साथ अटैच होगा। अगर वो नहीं, ये नहीं बैठा रहेगा तो अटैच करने में प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, एक्चुअल में इसमें करंट पास होता है, फटाक से ऐसे खींच लेता है तो पेपर पास हो जाता है, और फिर उसके बाद ये यूएस छोड़े या फास्ट छोड़े, डिपेंड ऑन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसकी एक असेंबली सेट करनी है। वो क्या है, इसके पहले जो हमने क्लियर, ये पूरा यूनिट आप इस पे ऐसे लग सकते हैं, यही इसका सेटअप। बट इतना सेटअप करने के लिए हमें एक चीज और सेट करना है, वो है इसका बेस। क्योंकि बाद में इसे लगाएंगे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सबसे पहले इसे लगा देंगे और इस यूनिट को बाद में लगाएंगे। बड़ी बात, इसे कैसे लगाना है, इसे नहीं लगाएंगे तो इधर एक सेंसर भी है, इस सेंसर का कनेक्शन देना रहता है। ये मोस्टली आप चार स्क्रू के साथ इसको सेट कर सकते हो, आप सिर्फ चार, एक दो तीन चार, दोनों तरफ दो दो स्क्रू लगा दीजिए, आपका काम है। आप ज्यादा लगाना चाहते हो तो ज्यादा भी लगा सकते हो। सबसे बड़ा प्रेशर यही देता है इस एडीएफ को, अगर ये लूज पड़ता है तो पूरा यूनिट आपका लूज पड़ेगा, एडीएफ टूट भी सकता है। अगर इस पे ज्यादा भी स्क्रू लगाना है तो आप लगाइए बेफिक्र होकर, दोनों तरफ इसमें चार चार हैं, प्रेशर कनेक्शन दिया गया है इसको पकड़ने के लिए, तो आप चारों का चारों भी लगा दो तो बहुत बढ़िया है। आपके एडीएफ की मजबूती बनी रहती है। रीजन क्या है, ये एक स्प्रिंग इसके अंदर है और उस स्प्रिंग के थ्रू ही ये अपने को टॉप पे रोक के रखता है। अगर ये थोड़ा भी कम प्रेशर, आप ज्यादा प्रेशराइज करके नीचे करोगे ये सीधे प्लास्टिक ब्रेक करके इधर से ब्रेक हो जाता है, ध्यान दोगे तो यहां से थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, एडीएफ यूज करने में प्रॉब्लम। अब ये हो गया बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, 5 मिनट का काम 10 मिनट में होगा चलेगा, पर प्रॉपर होना चाहिए। अभी ऐसा ही नहीं है कि मैं इसको ऐसे बिठा के बैठ जाएगा, इसका सब सेट करना पड़ता है, इसके स्प्रिंग्स, इसके कनेक्शंस, एक भी चीजें प्रॉपर नहीं बैठी तो भी प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, यहाँ चीजें नहीं सेट करेंगे तो प्रॉपर सेट नहीं होगा। सबसे पहले सभी का पेस चेक करो कि वो प्रॉपर बैठे हुए हैं, अगर वो बैठे हैं तो फिर ये भी प्रॉपर काम। अब ये ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें मजबूती के लिए आप ये एक स्क्रू लगा दीजिए,
तो ये दो है, इनको भी करना है। इधर का कनेक्शन ये सेंसर कनेक्शन, इधर अंदर का बड़ा प्रॉब्लम ये है, इनको स्टेबल बिठाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये प्रॉपर बैठेंगे नहीं तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं है। एक जगह से मैंने इसको स्टेबल किया, अब जितनी भी जगह है मैं स्क्रू के थ्रू आपको इशारा दिखा रहा हूँ, एक यहाँ लगता है, एक इसके इधर लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ लगता है, जो मेन मेन जगह है वहाँ सब जगह स्क्रू लगाना है इसके बैलेंस में। और ध्यान देना कि प्लास्टिक से आप लोहा अटैच कर रहे हो तो प्लास्टिक की चूड़ी खराब ना हो, जैसे प्लास्टिक सड़ जाता है तो खराब ही होता है। लेकिन आप पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आप कितना केयर कर रहे हो, कभी कभी खराब चीजें भी हम केयर करें तो ज्यादा दिन तक चला पाते हैं। इसके साथ और सारी चीज़ें अटैच्ड हैं जिनको अटैच करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फटाफट आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ इसको। ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ आगे लगा देंगे, यहाँ लगा, ठीक है, आपका एडीएफ कंप्लीट। बस इसके बैक साइड का जो ये कवर है इसको स्पंज, जहाँ जहाँ ये मार्क है यहाँ कटिंग करके स्पंज चिपकाने का, उसके बाद इस पर ग्लू वापस से लगा के इसको रख देने का, इस तरफ से रखने का, जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही रखना है, ठीक है, मतलब ऐसा आप मशीन के सामने खड़े होके ऐसा रख सकते हो इसको। ये कटिंग सिस्टम किस तरफ रखना है, इस तरफ रखना है और ऐसे ही रखना है। आधे एक घंटे बाद छोड़ देंगे तो जो स्पंज लगा हुआ है उस स्पंज के ऊपर नीचे भी लगा देने का, ये दोनों चीजें चिपक जाएंगी। बट इसमें कुछ खास भी है, जैसे इस चीज को कैसे बिठाना है, ठीक है, अब इस चीज को बिठाने के लिए आप डायरेक्ट तो बिठा नहीं सकते, इसको आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा। सारे कनेक्शन सब कुछ जोड़ दिया है, ओके, उसके बाद इसको मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ, इस चक्कर में फटाफट आपको समझा देता हूँ।
अब इसके बाद इसका एक बड़ा हिस्सा जो आउटर कनेक्शन का काम करता है, ये इसको हमको जोड़ना है। इसे जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा फंडा यूज नहीं करना है, इसको फटाक से इसमें एक ये ऐसा लगा के ये केवल कनेक्शन करने हैं। इसके पीसीबी कनेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सेम मार्जिन का कोई दूसरा कनेक्शन है ही, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको हरसमेंट नहीं होगा कि यार आप कौन सा कनेक्शन लगाओ, अभी कौन सा कनेक्शन लगाओ, ऐसे इश्यूज आपको नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये फटाफट मैंने इधर से लॉक कर दिया क्योंकि ये आउटर कनेक्शन है। ये एक इसका मैंने बताया था कि ये दो लगते हैं, तो दूसरा ये यही रहता है। एक्चुअल में ये इसको अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। लीकेज करंट, जो मशीनों का लीकेज करंट होता है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना रहता है, ठीक है। वो कहाँ जाए, वो फैसिलिटीज इसके थ्रू दिया रहता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि जिन मशीनों में अर्थिंग नहीं लगी रहती, ठीक है, उन मशीनों को अगर आप डायरेक्ट छुओ, टच करो, तो बहुत हैवी शॉक लगता है आपको। आपको एक लिमिट तक शॉक लगे, उसके लिए ही ये सारी चीजें लगी रहती हैं। अभी मेरा एक ही काम बाकी रह गया है, जो है इस पीसीबी को सेटअप करना। अब वाकई अब मैं इसको आपके सामने लॉक कर सकता हूँ, बट अगर इतना ही लॉक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ अदर चीजें भी लॉक करके आपको दिखा दूँ तो ज्यादा बेटर है। ये होल देख रहे हैं आप, ये इधर इसको लगाया जाता है। ऐसे बैठता है, उसके बाद इसका एक होल्डर रहता है, ये देखेंगे ये होल्डर इस तरफ लगता है, इस तरफ केवल इसको फंसाने और ये फिक्स्ड। अब इसको खोलिए, इसको प्रॉपर इसको थोड़ा उठाएंगे, इसके सारे लॉक्स यहाँ से हटेंगे, ठीक है। ओके, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, बट यहाँ मुझे थोड़ा एक काम बाकी रह गया है। सेंसर है जो सिग्नल देता है आपको, एक मिनट थोड़ा ब्रेक लीजिए मैं स्क्रू। ओके, हमने स्क्रू लगा दिया। अभी इस कनेक्शन को भी लगाना बहुत जरूरी है, करने के बाद ये नीचे साइड दो स्क्रू, ऊपर साइड एक स्क्रू के साथ आराम कर लेता है। उसमें कुछ बड़ा ट्रिक नहीं है, बस स्क्रू लगा।
ऐसे कुछ और स्क्रू हैं जो लगाने पड़ते हैं, बट मेरे दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय इसमें स्पेंड नहीं करूँगा, बस शो करूँगा आपको कि अब जैसे एक स्क्रू यहाँ लगेगा, एक स्क्रू यहाँ लगेगा, एक स्क्रू यहाँ बैक साइड लगेगा, उसके बाद इसको आप उठाओगे, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, उसके बाद जो मैंने फ्लैप दिखाया यहाँ यहाँ यहाँ, इसको बस आपको एडीएफ पे रखना है और स्टेबल कर देना। ओके, थैंक यू। और ऐसे बहुत सारे जानकारी आप मुझसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको पूछना है, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो जो भी मैं डेटाबेस अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका आपको फटाफट बैकअप मिलता रहेगा। थैंक यू। अपनी मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो, ऐसा नहीं बस ये यूज़ के लिए रखा हूँ और ऐसा सोच के आप यूज़ करते रहोगे तो भाई मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए एक हिसाब से मशीन का केयर करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। ओके, थैंक यू।